अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्रम अली और आप देख रहे हैं टेक फॉर टेस्ट। आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक इसलिए है कि हम करेंगे वीवो वी 19 की अनबॉक्सिंग और साथ ही करेंगे उसका वाटर टेस्ट। तो दोनों चीज़ें होने वाली हैं एक ही वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम अनबॉक्सिंग के साथ साथ फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी भी आज ही चेक करेंगे। अगर बात करें वीवो वी 19 की, तो रिसेंटली ये डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में 60,000 रुपीज़ की लॉन्च हुई है। और यूजुअली इतनी प्राइस रेंज के अंदर जितने फ़ीचर्स वीवो ने डाले हैं, इतने फ़ीचर्स देखने को नहीं मिलते। मतलब इस फ़ोन में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, सुपर एमोलेड ड्यूल आई व्यू डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि ड्यूल कैमरा है, पंच होल कट आउट, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और मतलब वही सारा कुछ अगर इधर ही बता देंगे तो अनबॉक्सिंग में क्या करेंगे। तो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग में और देखते हैं कि ये डिवाइस अपने साथ क्या एक्साइटिंग फीचर्स लेकर आई है। और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके बाद ये भी बताइएगा कि ये प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है या नहीं। तो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और फिर करेंगे वाटर टेस्ट। जी, तो ये है हमारे पास वीवो वी 19 का बॉक्स, और जो कि बड़ी ज़बरदस्त प्रीमियम टाइप की पैकिंग है, और कलर है इसमें हमारे पास स्लीक सिल्वर। तो फ़ौरन से चलते हैं और अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं कि वीवो वी 19 क्या लेकर आया है अपने यूज़र्स के लिए और व्यूअर्स के लिए। जी, तो बॉक्स खोलते ही आपको एक ज़बरदस्त किस्म का ये एनवलोप मिल जाता है, और इस पर एक काफ़ी मज़ेदार किस्म का ये टेक्सचर सा बना हुआ है और वी 19 लिखा हुआ है। यहाँ पे अंदर हमारे पास हैं डिफरेंट चीज़ें, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोटेक्शन केस, जो कि बड़ा ज़रूरी है फ़ोन्स की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद है हमारे पास सिम इजेक्शन टूल और पेपर वर्क, जो कि कोई नहीं पढ़ता, और मैं हर बार सबको कहता हूँ कि पढ़ा करें, इसमें कोई काम की चीज़ लिखी हो सकती है। फिर है जी हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की पैकेजिंग के अंदर ये टाइप सी चार्जिंग केबल। जी, तो अब हम आते हैं डिवाइस की तरफ और इसको निकालते हैं बॉक्स से बाहर, और ये ज़बरदस्त किस्म की फील दे रही है हाथ में और दिखने में भी अच्छी है। लेकिन रैपर उतारने से पहले आज ज़रा हम इसको करेंगे ऑन। अभी ज़रा बॉक्स के बाकी कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। ये है एक शीट, और ये है एक ज़बरदस्त किस्म का 33 वॉट का फास्ट चार्जर, जिसमें लिखा हुआ है फ्लैश चार्ज 2.0। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर, और ये ज़बरदस्त चार्जर है, और इतना कोई मतलब भारी टाइप भी नहीं है, हल्का फुल्का है। और अब हमारे पास एंड पे है एक ज़बरदस्त किस्म की प्रीमियम टाइप हैंड्स फ्री। डिवाइस को अगर हम करें अनरैप, तो ये जो कलर है ये मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, और ये मोम भी काफ़ी मज़े का है। तो ये हो गई है जी डिवाइस हमारे पास अनरैप, और डिवाइस के हमेशा की तरह स्पॉन्सर्स हैं प्रो पाकिस्तानी, और वहाँ पे अनबॉक्सिंग पोस्ट हो चुकी है तो आप देख सकते हैं। जी, तो डिवाइस हो चुकी है हमारे पास ऑन, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका डिज़ाइन। तो ये जो स्लीक सिल्वर कलर है यार, ये कोई अजीब नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो दे रहा है आपको। और बैक पे हमारे पास क्वाड कैमरा सेटअप है, और उसके साथ है फ्लैश लाइट। इस साइड पे है जी हमारे पास वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन, जबकि दूसरी तरफ है हमारे पास सिम स्लॉट, और यहाँ पे हमारे पास है चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल। अच्छा, इन चीज़ों की जो सिमेट्री है या ये जो डिज़ाइन है इन पोर्ट्स का या इन सारी चीज़ों का, ये काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। फ्रंट पे हमारे पास 6.44 इंचेस की स्क्रीन है और ड्यूल सेल्फी कैमरा है। इन चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि फ्रंट पे ग्लास है फ्रेम, और बैक हालांकि प्लास्टिक की है बट बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने देती किसी भी तरह का। अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो जो वेरिएंट है ये है 8GB 128GB। फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो है स्नैपड्रैगन 712, एंड्रॉयड 10 और फन टच 10.0 के साथ आता है, जो कि वीवो का अपना एक डिज़ाइन UI UX है। फ्रंट पे जो हमारे पास ये ज़बरदस्त किस्म का ड्यूल कैमरा है, इसके बारे में अगर हम पहले बात करें, तो ये 32 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि f2.1 एपर्चर के साथ आता है, और फिर इसके साथ हमारे पास एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो ये दोनों सेल्फी कैमरास कमाल के हैं। अब आते हैं हम बैक पे, और बैक पे हमारे पास जो कैमरा पैनल है, एक तो इसकी लुक बहुत मज़े की है, दूसरा स्पेसिफिकेशन वाइज बात करें तो सबसे पहले 48 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ मेन लेंस है, देन हमारे पास 8 मेगापिक्सल के साथ अल्ट्रा वाइड लेंस है, देन एक और मैक्रो लेंस है जो कि है 2 मेगापिक्सल का, और एक और डेप्थ लेंस है जो कि है 2 मेगापिक्सल का। बैटरी की अगर हम इस फ़ोन में बात करें, तो बैटरी है हमारे पास 4500 mAh की ज़बरदस्त किस्म की बैटरी। तो अगर इस फ़ोन को आपने
प्राइस के साथ कंपेयर करना है, तो ये सारे फीचर्स आपके सामने हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा है। जी तो अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, और वो है इस फ़ोन का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, वाटर टेस्ट। इस फ़ोन की प्राइस 60,000 है, और देखते हैं कि ये फ़ोन पानी में कितनी देर तक सर्वाइव करता है। मैं 2-3 मिनट तक करूंगा इसका वाटर टेस्ट, क्योंकि इसकी कोई IPS रेटिंग नहीं है। तो चलिए चलते हैं फ़ौरन से वाटर टेस्ट। जी तो वाटर टेस्ट शुरू करने से पहले हम देख लें ज़रा डिवाइस, बिल्कुल ओके सीन है, सब कुछ चल रहा है इसका। और पानी डालते हैं हम इसमें, और फिर इसको हम टेस्ट करते हैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जी तो पानी आई थिंक ये काफ़ी होगा। जी तो चलते हैं इस डिवाइस के वाटर टेस्ट की तरफ, और पानी मैंने काफ़ी सारा डाल भी लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमारी डिवाइस बिल्कुल ओके टू गो है, सीन ऑन है। पानी थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बंदा कह रहा था कि यार डेप्थ जो है ना कम होती है। जी तो रोज़ा भी खुलने का टाइम है तकरीबन, और स्टॉप वॉच अगर हम निकालें इसकी और स्टैंड बाय पे करें तो भाईजान जाने लगा है ये फ़ोन पानी के अंदर। 3-2-1 गो। अच्छा यार मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करता हूँ, खड़ा हो जा भाई किसी जगह। चलो एक सेकंड यार, एक तो ये, अच्छा यार मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि भाई प्लीज़ घरों पे ऐसा कोई टेस्ट परफॉर्म ना करें। अगर फ़ोन पानी में गिरता है फ़ौरन उठाएं, चावलों में रखें, धूप में सुखाएं, पंखे के आगे रखें, हीटर के आगे सुखाएं, बट फ़ोन सुखाएं, फ़ोन खुश्क होने से पहले उसको किसी भी तरह का कोई इस्तेमाल मत करें, चार्ज मत करें। तो देखते हैं कि ये डिवाइस कितनी देर तक चलती है। तो करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, और 2-2.5 मिनट के बाद हम इसको पिकअप कर लेंगे। जी तो डिवाइस को तकरीबन 2.5 मिनट हो चले हैं, 2 मिनट और 30 सेकंड, 1-3 सेकंड जो हैं वो पानी से निकालने में लगते हैं। डिवाइस को साफ़ करते हैं, फिर कैमरा, साउंड, चार्जिंग, सारी चीज़ों को करते हैं टेस्ट। अच्छा जी तो डिवाइस हो गई है साफ़ सुथरी, चमकदार, चकाचक, इसका सिल्वर कलर भी बेहतरीन हो गया है। जी तो 2.5 मिनट के बाद सबसे पहले हम इसका टच चेक करते हैं। ठीक है जी, साइड स्वैप है, ऐप्स बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, और साउंड की भी अभी मुझे हल्की सी आवाज़ आई है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और ये फ़ोन मैंने लॉक कर दिया गलती से, फिंगरप्रिंट इस पर मेरा अभी है नहीं, तो बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो टच इस फ़ोन का बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अच्छा अब चलते हैं इस फ़ोन के कैमरास की तरफ। सेल्फ़ी कैमरा में भाई हमेशा की तरह आपके सामने है, लेकिन ज़रा बेहतर नहीं लग रहा मैं इस वक्त। तो हम क्या करते हैं कि बैक कैमरा टेस्ट करते हैं। बैक कैमरा इसका बेहतरीन काम कर रहा है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर किसी तरह का कोई मसला नहीं है। फ़ोन प्रॉपरली सेट भी नहीं हुआ था, तो वो अपने शशके मार है बीच में। अच्छा जी टच हो गया और कैमरा हो गया, अब आते हैं हम साउंड की तरफ। साउंड्स किधर हैं जी? वीवो के साउंड्स ये रहे जी। अच्छा जी कहाँ है वो, वही रिंग टोन्स कहाँ हैं? अरे यार कॉम्प्लिकेटेड है हर चीज़। जी तो वॉल्यूम रॉकर्स भी ठीक है, साउंड भी ठीक है, पावर बटन भी ठीक है, और उसके बाद बाकी भी साउंड देख लेते हैं। यार सब तरफ ओके रिपोर्ट है। 2-2.5 मिनट इस डिवाइस को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अब लास्ट और फाइनल जो चीज़ है वो है चार्जिंग टेस्ट। तो ये मेरा सैमसंग का चार्जर है, और ये चार्ज कर रही है डिवाइस। अभी वो वीवो वाला, चूँकि अभी बॉक्स खुला है ताज़ा, तो मैंने उसको मतलब कर नहीं सका। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस, एक मिनट जूम का थोड़ा इशू है, हाँ ये तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस जो है वो भाईजान बेहतरीन चार्ज भी हो रही है। ठीक है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है।
तो वीवो V19 के जो स्पेक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उसकी प्राइस भी मेरे हिसाब से रीज़नेबल है, फ़ोन ड्यूरेबल इनफ है कि 2-2.5 मिनट अगर पानी में भी गिर जाता है तो यार कोई इशू नहीं है। अब इस फ़ोन का जो फर्दर मैं कौन सा टेस्ट कर पाऊंगा या कौन सा नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच यार इन सारी वीडियोस को देखने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, सेफ़ रहें, महफूज रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।